आज दीवार बने भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश से अंग्रेज हार गए। श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक में अंग्रेजों को धूल चटा दी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम मेडल के एक कदम और करीब पहुंच गई है। पुरुष हॉकी में टीम इंडिया ने ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। क्वार्टर फाइनल मुकाबले का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। फुल टाइम तक दोनों टीमें एक एक से बराबरी पर चल रही थी, जिसके बाद मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में चला गया। भारत के गोलकीपर श्रीजेश ने पेनल्टी शूटआउट में अपने हुनर और एक्सपीरियंस का लोहा मनवाया और इंग्लैंड के तीसरे और चौथे स्ट्रोक को गोल में पहुंचने से रोक दिया। वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार चार पेनल्टी स्ट्रोक सटीक लिए और जीत अपने नाम कर ली। पेनल्टी शूटआउट में भारत को क्वार्टर फाइनल में 4-2 से जीत मिली है। भारत के लिए ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत को एक रेड कार्ड मिला और फिर भारतीय टीम ने अगले 43 मिनट सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ खेल खेला था। भारत की जीत में डिफेंडर्स का बड़ा योगदान रहा। मैच के ज्यादातर वक्त गेंद इंग्लैंड के खिलाड़ियों के कब्जे में रही, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी भारत की जो सुरक्षा पंक्ति है उसे भेदने में नाकामयाब रहे। दरअसल भारत के डिफेंडर अमित रोहितदास को मैच के दौरान रेड कार्ड मिला था और वो मैच से बाहर हो गए। हालांकि एम्पायर का फैसला विवादों में है और पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी जगराज सिंह ने कहा कि उस फाउल के लिए येलो कार्ड देना ही काफी था। अब भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है और सेमीफाइनल में जीत के साथ ही भारतीय टीम कम से कम सिल्वर मेडल की हकदार तो जरूर हो जाएगी। अगर भारत सेमीफाइनल में हार जाता है तो उसे ब्रोंज मुकाबले के लिए एक और मैच खेलना होगा। भारतीय गोलकीपर पीआर श्रीजेश की बात करें तो ये उनका आखिरी ओलंपिक है। कुछ दिन पहले ही श्रीजेश ने कहा था कि वो आखिरी इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी के प्रदर्शन की बात करें तो भारत को सिर्फ बेल्जियम से हार मिली है, जबकि अर्जेंटीना से भारत ने ड्रॉ खेला था। इसी टूर्नामेंट में भारत ने 52 साल बाद ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। तो आपको बता दें कि भारतीय हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है पेरिस ओलंपिक में और ब्रिटेन को 4-2 से हराकर अब सेमीफाइनल में भारत की हॉकी टीम ने एंट्री कर ली है।